हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों, आप मेरे सामने ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट जो है कि बोगनवेलिया का है। और हमने कुछ दिन पहले इस बोगनवेलिया की कटिंग को इस ग्रो बैग में लगाया हुआ था, और ये वो सारी कटिंग है जो सक्सेसफुली हो चुकी है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको केवल ये बताने वाला हूँ कि ये बोगनवेलिया का रिज़ल्ट कैसा रहा है, बाकी इसके कलम को भी निकाल के मैं दिखाने वाला हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। इस ग्रो बैग में मैंने चार कलम लगाए हुए थे और चारों कलम सक्सेसफुल हो गई है। इसमें मैंने जो है कि तीन कलम लगाए हुए थे, जिसमें से केवल दो ही कलम सक्सेसफुल हुई है। एक एक करके सबको निकालेंगे, निकालने के बाद मैं उसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले इस ग्रो बैग को निकाल लेते हैं। इसके पोर्ट की मिट्टी को जो है कि थोड़ा सा लूज कर लेंगे हम लोग। दोस्तों, कुछ जो है कि रूट्स डैमेज हो गई हैं निकालते वक्त ही, लेकिन ये देखिए कुछ रिज़ल्ट इस पे मिला हुआ है, इस बोगनवेलिया पे। और हर एक कलम में जो है कि रूट्स आ चुकी हैं। मैं इनको पानी में धुल करके फिर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा रिज़ल्ट रहा है। अगर ऐसे ग्रो बैग आपके पास है और आप आसानी से इसको निकाल लेते हैं, तो दोबारा इस ग्रो बैग को यूज कर सकते हैं आप। देखिए, ये भी कलम सक्सेसफुल हो गई है। इसको मैं डैमेज नहीं करूँगा, मैं पानी से गीला करके इसको आसानी से निकाल लेता हूँ, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो प्रॉपर इसी तरीके से रहें। दोस्तों, इसमें भी बहुत अच्छी खासी रूट्स आ गई हैं। ये जो मिट्टी की पिंडी है, अगर मिट्टी की पिंडी को ही आप सीधा ऐसे लगा दें तो ये जो है प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से सक्सेस हो जाएगा। लेकिन मैं इसको भी पानी में वॉश करके उसके बाद दिखाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। दोस्तों, इस कलम को मैं अभी छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि अभी इसमें रूट्स नहीं आई है। होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पर नई कलियाँ या फिर नए पत्ते आ जाते हैं, और इस जो है कि कलम में भी डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता है। तो ऐसी कलम को बिल्कुल भी ना छेड़ें। जब इस तरीके से लगे कि ढेर सारी पत्तियाँ आपके कलम पे आ चुकी हैं, तभी जो है कि आप निकाल सकते हैं उसको। तो इसको मैं किनारे रख दे रहा हूँ। बाकी मैंने जो है कि तीन जो ग्रो बैग्स हैं, ये और ये वाले, इसमें से मैंने निकाला हुआ है, और इनके निकले हुए रिज़ल्ट को मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। दोस्तों, ये सारी कलमों को मैंने जो है कि पानी में डिप कर दिया है, ताकि मिट्टी जो है आसानी से घुल जाए। ये देखिए, इस पर रूट्स कितनी अच्छी आई हुई है। शायद इसीलिए प्लांट इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इन रूट्स की वजह से। इस प्लांट की अगर बात की जाए, ये देखिए, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें रूट्स की बात की जाए तो कुछ रूट्स जो है इसमें टूट गई हैं, और थोड़ी बहुत रूट्स बची हुई थी, इसी वजह से ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। तो जब तक प्लांट कुछ इस तरीके से मैच्योर ना हो जाए, तब तक आप कलम को निकालिएगा नहीं। दोस्तों, ये देखिए, इसमें भी रूट्स काफ़ी अच्छा मिला है इस प्लांट में। लेकिन इस वाले प्लांट की बात की जाए, ये वाली कलम की बात की जाए, तो इस कलम में कोई भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है। ये रूट इसकी बिल्कुल भी नहीं आई है, ये कलम बिल्कुल सूख चुकी है। ये देखिए दोस्तों, इस पर भी रूट्स काफ़ी अच्छी मिली है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। हेल्दी प्लांट है ये भी। आप ऐसे अगर सावधानियाँ रखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा रिज़ल्ट बोगनवेलिया पे ले सकते हैं। वैसे रिज़ल्ट मुझे कम मात्रा में मिला है, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट मिला है। ये सारे के सारे प्लांट जो है कि हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, और सारे के सारे प्लांट लग जाएंगे। इनको दोबारा लगाने के लिए मैं ग्रो बैग का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, और इन प्लांट्स को जो है कि मैं ग्रो बैग में ही शिफ्ट कर लेता हूँ।